तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं पावर बीआई पे बात करने वाला हूं कि किसी पीडीएफ से, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, उस पीडीएफ से डेटा को कैसे इंपोर्ट करोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो पीडीएफ थोड़ा सा पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए। पीडीएफ अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। मतलब स्कैन किया हुआ नहीं होगा सर, मतलब जो डॉक्यूमेंट है हाँ, एक्सेल या। स्कैन किया हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। हाँ, मतलब एक्सेल फाइल को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करके कोई भेजा है तो उसको हम ला सकते हैं। जी, तो कैसा, और वो भी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह कर दें, जैसे कि अभी एक छोटा सा डेटा हम आपके साथ करने वाले, देखते रहिए, छोटा सा डेटा है आपके सामने हम करने वाले हैं। या राइट, तो पीडीएफ कन्वर्ट करने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका कॉल ऑटो फिट होना चाहिए, जैसे दिख रहा है आपको गांधीनगर, इसमें कटा हुआ है ना, ये नहीं होगा, एक कट वहां पे जो है नहीं विजुअल होगा। दूसरा, इसमें अगर बॉर्डर नहीं है तो ग्रिड लाइन ही लगा दीजिए, बॉर्डर लगा देंगे तो बेटर रहेगा, बॉर्डर नहीं है तो ग्रिड लाइन लगा दीजिएगा, बॉर्डर जल्दी आइडेंटिफाई कर देता है। दूसरा, यहाँ आप पेज लेआउट पे आए, इसको फिट टू वन पेज कर दें, विड्थ हमेशा वन पेज में होना चाहिए। उसके बाद आपको जो यहाँ पे प्रिंट की जो सेटिंग है, यहाँ पे आपके सामने जो आता है प्रिंट टाइटल, प्रीव्यू जो आता है। उसमें रो जी, रिपीटेड रो में से हर पेज में ये आना चाहिए आपको। सेम। हाँ, ये हेडिंग जी, हेडिंग सर। प्रिंट प्रीव्यू देखिए ना, पता चल जाएगा। प्रिंट जी जी में आप देखिए, इसमें हेडिंग ऊपर दिख रहा है ना, सर, अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ भी ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जी डेटा सर, कंबाइन हुए हेडिंग के अकॉर्डिंग ही करेगा। जी अब मैं इसको सेव एज पीडीएफ कर देता हूं, यहां से एक्सपोर्ट पीडीएफ, जी और डेटा पी करके हमने इसमें डाउनलोड में पब्लिश कर दिया। पब्लिश हो गया। अब एक जी सर, आप उस पीडीएफ को ओपन करके भी चेक कर लीजिए कि क्या है आपका। जी यहाँ देखिए आपके सामने ये डेट आ रहा है, जी पेज पेज का आ रहा है ना, जी सर, ऑटो फिट है। अब ऑटो फिट है। लोड करते हैं पावर बीआई में, तो गेट डेटा, जी पीडीएफ। यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं पीडीएफ जी कनेक्ट, जी डेटा पी। डेटा पी को सिलेक्ट किया, जी ओपन। वो ज्यादा पेज था सर, 55 पेज था। हाँ, अभी अभी 2 मिनट में आ जाएगा। ये सारे इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जी रीड कर लेता, यही बहुत बड़ा बात। रीड कर लिया। अब यहां पे एक तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आपको दिख रहा है,
तो अगर कोई पर्टिकुलर पेजेस चाहते हैं तो पर्टिकुलर पेजेस ले सकते हैं, अदरवाइज यहां ऊपर में आप देखिए टेबल 1 to 55, इसने पूरे पूरे जितने पेजेस थे सारे पेजेस को रीड कर लिया एक सही फॉर्मेट में। यहाँ पर डेटा दिख रहा है ना सर आपको सही फॉर्मेट, अलग अलग पेजेस को, क्योंकि पीडीएफ का डेटा जो आता है वो अलग अलग पेजेस में आता है जी, पेज वाइज, पेज वाइज। तो इसको पेज वाइज जो है अपने हिसाब से इस तरह से आप कर सकते हैं जी। ठीक है जी सर, तो यहां उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहां पे लोड एक्टिवेट हो जाएगा, क्लिक कीजिए और ये आपके डेटा टेबल में आ जाएगा। तो दो मेन चीज आपने सीखा, एक फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं और फाइल की डेटा को कैसे लाया जा सकता है चेक के नीचे, ठीक है जी सर। कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर इसमें, ज्यादा है सर, एक दो पेज रहता तो जल्दी लिख लेता, ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ ऐसा है जो रीड नहीं कर पा रहा है। The column C indicated that it was not found. C and date is the, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना सर, तो इसके लिए हम जाएंगे इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा में, आ गया ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये आपका C कॉलम एंड डेट जो है ना जी डेट नहीं मान रहा है, टेक्स्ट मान रहा है। जो ट्रांसफॉर्म में हमारे आया तो यहां पे हम आते हैं ट्रांसफॉर्म में, डेट एंड टाइप, यहां पे चेंज टाइप ऑलरेडी चेंज हो गया है सर, नहीं यहां से जो यहां पे देख रहे हैं डेटा टाइप डेट है जी, डेट को हटा के अपने हिसाब से जो फॉर्मेट, यहां पे टाइप, यहां पे टेक्स्ट डिफॉल्ट था, टेक्स्ट जी कि हम कुछ और रख लेते हैं, ठीक है जी। यहां से लोड एंड क्लोज करूंगा वो परफेक्ट लिया जाएगा। सर एक्सेल फाइल में जैसे जो अगर कोई हम टेबल बनाते हैं फॉर्मूला के फॉर्मूला वगैरह लगा हुआ रहता है, तो उसको जब हम ये यहाँ ये एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला मतलब मतलब डिसेबल हो जाता है कि इनेबल, वो भी साथ में दिखता है, भी है इसमें दिखेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला दिखता है सर, वो फॉर्मूला हटता नहीं है ना जी। आप देखिए टेक्स्ट है ना सर, तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर दिया डेट टाइम कॉलम सी, ओके टेबल वाज नॉट फाउंड टिल, एक मिनट यह प्रॉब्लम हो रही है सर इसी के कॉलम में, इसमें हो सकता है नीचे कोई टेक्स्ट डाला हो इस कारण से, सर चेंज करके मैं डेट कर देता हूं, रेम भी नहीं हो रहा है।
तो फिर कॉलम हटाना पड़ जाएगा सर। हाँ कोई इशू नहीं, जो भी हो यूनिफॉर्म में हो। जी जी आई थिंक ले लिया सर, यहाँ फील्ड आ गया ना। जी आ गया। तो ये डेटा आ गया, अब इसमें डेट फॉर्मेट में नहीं है तो इसको हम फॉर्मूला से डेट फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है। जी वो हम आए क्लास में समझाएंगे कि फॉर्मूला से डेट फॉर्मेट में कैसे होता है। राइट सर। जी सर, टेबल तो दिखने लगा जितना था सारा। हाँ जी हाँ, तो आपने देखा कैसे पीडीएफ से डेटा लाया जाता है, कोई जी सर, डाउट तो नहीं इसमें। नहीं, कोई तो पीडीएफ से डेटा हम इस तरह से लेके आते हैं। अगर कोई पीडीएफ में भेजता है डेटा तो उसको हमको अपने अनुसार पहले अरेंज करना पड़ेगा तब नहीं उसको। नहीं पीडीएफ जब कन्वर्ट होता है तभी अपने हिसाब से कर सकते हैं। पीडीएफ उसने बना दिया है तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है ना, जी प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइल, जी इसलिए पीडीएफ बनाया जाता है ताकि आप छेड़छाड़ ना कर सके, बनाया है उस तरह से ही आप करें। ठीक है, जी क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं सर, तो आप पीडीएफ लेना समझ में आ गया। अब बाकी सर इसके अंदर है, इसमें हम के डेटा पे आते हैं, जैसे बाकी फाइल से तुमने बता ही दिया था कैसे लेते हैं, एक्सेल फाइल से कैसे लेते हैं, जी सर लेते हैं क्या जी सर, वो सब तो जान गए सर, डेटाबेस लाना तो में आप चाहिए। एमएस एक्सेल और सीक्वल कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी और जी डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का सिंपल तरीका है, कोई नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अजूरे से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जैसे ऑनलाइन सेल्सफोर्स वगैरह जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उसको भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, उसके अदर में आते हैं, तो अदर में बहुत सारे हैं जो आप ले सकते हैं जो कैटेगरी के अंदर में नहीं आता है, जैसे कि जी वेबसाइट का, एक वेबसाइट से डेटा लेना हो। गूगल फॉर्म का एक्सेल से सर लिंक ला सकते सर, इसमें जी उसको गूगल फॉर्म से डायरेक्ट ला सकते हैं या उसको एक्सेल में डाउनलोड करके नहीं, तब कनेक्ट गूगल करें। फॉर्म से नहीं आ सकता है, गूगल फॉर्म से इसमें नहीं आ सकता है, ये गूगल फॉर्म को कनेक्ट नहीं करता है। ओके क्योंकि आजकल तो रिपोर्टिंग टैबलू बहुत में आता है, सारा, टैबलू जो है गूगल फॉर्म को लेता है। वैसे तो बहुत सारा सर गूगल फॉर्म पे ही मतलब सब कोई भेजते हैं तो उसको फिर एक्सेल में डाउनलोड कर लेके तब काम करेंगे। यहाँ इसमें गूगल गूगल ड्राइव होता है, जी इसे टैबलू में होता है ड्राइव, गूगल ड्राइव नहीं इसमें नहीं। गूगल एनालिटिक्स आ सकता है, गूगल बिग क्यूरी आ सकता है, जी ठीक है। जी गूगल इसमें आपको गूगल ड्राइव लेकर आना होता है। सर, ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है इसमें, टैबलू बॉक्स भी है। तो ये टैबलू जो है इससे ज्यादा डेटा कनेक्ट करता है। जी
अच्छा पहले सर पावर बीआई से था, सीखे तब टेबल सीखेंगे। ठीक है ठीक है, तो आप इस पे रख लीजिए, डेटा कनेक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। कल से हम बात मंडे से जो क्लास लेंगे उससे जी जीओ पे लेंगे, विजुलाइजेशंस और फॉर्मूले वगैरह बात करेंगे। ठीक है सर, ये पहले हम चाह रहे थे सर कि एमएस सॉरी एक्सेल एक्सेल पाइवट ये सब पहले वो वहां से कैसे करके लाएंगे सर, वो वाला चीज देखना चाह रहे क्या समझे नहीं? मैंने ये सर क्या कहते हैं पाइवट में पाइवट का सर थोड़ा जानना चाह रहे थे डीप। तो पाइवट की रिकॉर्डिंग भेजा था ना आपको मैंने? हाँ वो तो देखे सर प्रैक्टिक, मतलब इसमें वो वहां से इसमें कैसे ये फिर करते हैं वो देखना चाहिए, मतलब उधर इसमें तो एक्सेल नहीं बना आता के है पिवट, पिवट इसमें नहीं आता है सर। तो पिवट हमको करके पहले एक्सेल एक फाइल बनाना बना के रखना होगा नहीं डेटाबेस समझे, में, पिवट की उसको तरह लाएंगे यही यहाँ। पे, यही पे पिवट बन जाता है, जो तो भी चीज यही पे बन जाती है। पिवट ही तो है सर, पिवट ही तो है आपका। जी सर पिवट की नॉलेज हो तो फिर इस पे अच्छा वर्क होता है। हाँ इसमें पावर जी क्यूरी है जो कि मैं बताऊंगा आपको। जी पिवट टेबल तो नॉर्मल जैसे एक्सेल का, एक्सेल का पार्ट है, जी शुरुआती में हम देते हैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा तरीका हो। पिवट टेबल सीखना होगा तो एक बैच हमारा आने वाला है सुबह में पिवट टेबल का, मैं आपको बता दूंगा। जी या एक्सेल का थोड़ा सर, एक्सेल में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, थोड़ा सा ही जानते हैं, ज्यादा जानते हैं नहीं।